नमस्कार मित्रों, हिंदी पढ़ना और लिखना सीखने की इस श्रृंखला में अब बात करते हैं कि हमें किन चीजों की आवश्यकता रहेगी हिंदी पढ़ना और लिखना सीखने के लिए। प्रतिदिन पाठ पढ़ने के बाद हमें पढ़ने का भी अभ्यास करना है और लिखने का भी अभ्यास करना है। पढ़ने की सामग्री हमें तीन जगह उपलब्ध रहेगी, हमारी वेबसाइट पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारी मोबाइल ऐप पर। ये तीनों ही निःशुल्क हैं, यानी फ्री हैं, और तीनों ही के लिंक आपको वीडियो के विवरण में मिल जाएंगे। इसके अलावा जहां भी हिंदी पढ़ने का अवसर मिले आप प्रयास कीजिए, जैसे बाजार में दुकानों के या पोस्टर्स पे हिंदी लिखी हो सकती है, अखबार में हो सकता है। आप अभ्यास जितना अभ्यास करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि हिंदी लिखने के अभ्यास के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो अधिक कुछ नहीं चाहिए, एक कॉपी, पेंसिल, रबर इत्यादि हैं तो वो काफ़ी है। मान लीजिए कि कॉपी पेंसिल भी उपलब्ध नहीं है, ऐसा कई बार होता है जब हम बस्ती वगैरह में, कच्ची बस्ती में पढ़ाने जाते हैं, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। आपके पास कॉपी यदि नहीं है तो आप रद्दी कागज़ या अखबार पर लिख सकते हैं, या मिट्टी तो लगभग सभी जगह रहती है, आप एक सींक उठाइए, मिट्टी में लिखने का अभ्यास कीजिए। आप अपनी उंगली से भी लिख सकते हैं, मिट्टी गीली हो तो भी कोई चिंता नहीं है। नहीं तो एक ईंट या पत्थर का टुकड़ा उठाइए और ज़मीन पर या सड़क पर लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। पर अभ्यास अवश्य करना है, हमारा पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। प्रतिदिन पाठ पढ़ने के बाद 10 से 15 मिनट हमें दोनों का अभ्यास करना है, पढ़ने का भी अभ्यास करना है, लिखने का भी अभ्यास करना है और प्रतिदिन करना है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपके यदि कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो अवश्य साझा कीजिए। नमस्कार।